मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब स्वीट पोटैटो की पूरी, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, शकरकंद भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये इस कलर में होती है, लाल कलर में, और एक कलर और इसका सफेद कलर में भी आता है। आप कोई भी शकरकंद ले लें, दोनों की पूरी बहुत अच्छी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है देखने में, ये बिल्कुल तोते की तरह दिख रहा है, इसकी डिजाइन देखिए। तो मैंने आधा किलो शकरकंद उबाल करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे बीच से तोड़ लिया था जिससे जल्दी से उबल जाए, तो मैंने इसके अंदर एक कप पानी डालकर दो सीटी आने तक मीडियम आंच पर उबाल लिया है और ये अच्छी तरीके से उबल चुकी है। तो ये बहुत जल्दी से छिल जाती है, ये ठंडी हो गई है तो इसे हम छील लेंगे। तो मैंने इसे छील लिया है, तो शकरकंदी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, तो इसे हमें क्या करना है, हम कद्दूकस कर लेंगे, इसे इसमें कोई भी लम्स न रह जाए, बड़े लम्स ना रहे, क्योंकि हमें इसकी पूरी बनानी है। तो इसे इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्लेवर के लिए सौंफ, ये कुटी वाली सौंफ है, एक चम्मच हमने लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मिठास के लिए इसमें हमने दो चम्मच शक्कर लिया है, मैंने इसे पीस लिया है। मीठा आप अपने पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे मिला लेंगे, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, जो भी इसमें टुकड़े होंगे अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। तो इसे मैंने मैश कर लिया है। और हमने लिया है गेहूं का आटा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले आधा आटा हम डाल लेंगे इसके अंदर और शकरकंद के अंदर ही इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अगर पानी की आवश्यकता होगी तभी लेंगे। इसे मैंने मिला लिया है, तो बस थोड़ा सा पानी हमें इसके अंदर डालना है। हाथ में लेंगे, पूरे आटे में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि डो को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, गीला नहीं करना है। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है, तो हम थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से और पूरे डो में लगा देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर के रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, डो को हल्का सा मसल लेंगे और इसकी पूरियां बनाएंगे। तो चलिए इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी लोइयां बना ली हैं और हल्का से इसे दबा करके रख लिया है। तो चलिए हम इसकी पूरियां बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसकी पूरियां बेलेंगे चारों तरफ से, एक साइज की, कहीं मोटी या पतली ना हो। तो कुछ पूरियां मैंने बनाकर तैयार कर ली है, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे तलने के लिए हमने गैस पर तेल रख दिया है और तेल हमारा अच्छी तरीके से कढ़ाई में गर्म हो चुका है। हमें मीडियम आंच पर इसे तलना है, बहुत तेज आंच पर नहीं तलना है, क्योंकि ये पूरी जो होती है बहुत जल्दी तलकर तैयार हो जाती है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम एक पूरी डालकर देखते हैं। इसे हल्का सा पुश करेंगे, और ये पूरी हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है। 1 मिनट तक इसे हम तलने देंगे एक साइड में, दूसरी पूरी भी डाल देंगे और इसे पलट देंगे, दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक इसे हम तलेंगे। तो ये पूरी हमारी अच्छी तरीके से तलकर तैयार हो गई है। इसे निकाल लेंगे प्लेट में, एक सोकिंग पेपर पर निकालेंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा तेल हो इसमें सोक हो जाए। ये भी पूरी निकालेंगे और इसी तरीके से सारी पूरियों को हम तलेंगे।
तो सारी पूरियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो हमारी शकरकंद की गर्मा गर्म पूरियां खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इसे आलू और मटर की सब्जी के साथ रखा है। आप अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शकरकंद की पूरियां बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये पूरी कैसी बनी।